सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। एनईपी 2020 के को करिकुलर विषय प्रत्येक सेमेस्टर में अनिवार्य है और प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन विषय है, जिसके फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को मैंने इस वीडियो में इस चैनल में बताने का प्रयास किया है, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। आज हम थर्ड यूनिट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं थर्ड यूनिट 1000 डेज न्यूट्रिशन, जिसके अंतर्गत हम कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1000 डेज न्यूट्रिशन है क्या। पहले 1000 दिन की अवधारणा से संबंध है कि गर्भधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक, मतलब सेकेंड ईयर का, जब 2 वर्ष का बालक हो जाएगा या बालिका हो जाएगी, तो उस समय तक के विकास की महत्वपूर्ण अवधि को समझेंगे। इस अवधि में बच्चे के भविष्य के स्वास्थ्य और कल्याण को आकार देने के लिए एक विंडो दी गई है इस पूरे टॉपिक में। और इन 1000 दिनों के दौरान उचित पोषण शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये बच्चे की नींव होती है। पूरा जीवन काल वो उसका निर्भर करता है, उसके विकास की जो आगे की चरण होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपके पिलर्स स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो उसकी जो उम्र है, उसकी जो लॉन्गिविटी है, वो प्रभावित होती है। तो बच्चे के विकास के चरण के जितने भी शुरुआती चरण है, उसमें सबसे पहला है प्रीनेटल न्यूट्रिशन। बच्चे के जन्म से पूर्व और जन्म के समय तक, यानी कि कॉन्सेप्शन, जिस समय माँ के गर्भ में बच्चा पलने के लिए शुरुआती चरण में होता है, और सिर्फ जब वो जन्म लेता है उस बीच के पीरियड में आप किस तरीके से उसके न्यूट्रिशन को समझेंगे वो यहाँ पर देखेंगे। तो वो यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले जरूरी है कि एडुकेट मैटरनल न्यूट्रिशन, माँ के पोषण का बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। बेबी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हो रहे हैं, बन रहे होते हैं, उसमें उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए नरिशमेंट बहुत जरूरी है, पोषण जरूरी है। तो माँ के आहार में कई ऐसे तत्व हैं जो सम्मिलित होने चाहिए अनिवार्य रूप से, जिससे कि बालक को, गर्भ में पल रहे बच्चे को पूरा पोषण मिल सके। जैसे कि फोलिक एसिड, माँ के आहार में फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, ये भरपूर मात्रा में होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कार्बोहाइड्रेट को, जैसे कि मैंने अपने पहले चैनल में बताया था, पहले वीडियो में बताया था कि पोषण के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अब आइए पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। ऐसे कौन से तत्व हैं जो बच्चे के वृद्धि के लिए उसको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अगर न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल, ये सभी तत्व उपस्थित होने चाहिए। विटामिन्स की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास और वृद्धि हो सके। सफिशियंट अमाउंट में, यानी कि संतुलित मात्रा में, उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के और डेवलपमेंट के लिए ये उपस्थित होने चाहिए। हेल्थ केयर की बात करें, रेगुलर हेल्थ केयर चेकअप जो होते हैं, प्रिवेंटिव केयर होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ प्रभावित ना हो। हाइजीन एंड सैनिटेशन का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अच्छी हाइजीन, अच्छी स्वच्छता जो होगी वो बच्चे को प्रिवेंट कर पाएगी, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर पाएगी, उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी, उसके ओवरऑल वेलबींग के लिए जरूरी होगी। प्रीनेटल केयर, मैटरनल एंड प्रीनेटल केयर, यानी कि बच्चे गर्भ में पल रहे बच्चे और माता दोनों के सुरक्षा की दृष्टि से उसका न्यूट्रिशनल एनवायरमेंट जो है वो उसका आधार जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इससे बच्चे के ऊपर, बच्चे की वृद्धि के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत हद तक न्यूट्रिशनस फूड की और हेल्थ केयर की और सेफ्टी एनवायरमेंट को प्रभावित करता है। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को भले ही आप बहुत अच्छे आर्थिक दृष्टि से मजबूत ना हो, लेकिन जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तब उस समय न्यूट्रिशनस फूड की आवश्यकता होती है, पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसा एनवायरमेंट देना चाहिए जिससे कि माँ और बच्चे दोनों को अच्छा आहार भी मिल सके और अच्छी वृद्धि और विकास के लाभ मिल सके। शिक्षा, नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा। बच्चे की वृद्धि के लिए शिक्षा, माँ का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो उसका पेरेंटल एजुकेशन है वो उसको बहुत प्रभावित करती है, उसके संज्ञानात्मक विकास को बहुत प्रभावित करती है। जेनेटिक्स, आनुवांशिकता बहुत प्रभावित करती है बच्चे के वृद्धि को।
यदि गर्भ में बच्चे को पल रहे बच्चे के माँ या पिता या उसके परिवार के जो पिछले पूर्वजों के कोई बीमारी है या कुछ ऐसे सर्टेन जो हेल्थ कंडीशंस हैं जो प्रभावित कर सकती हैं बच्चे ग्रोथ को, तो उसको ध्यान में जरूर रखना चाहिए और डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करते रहना चाहिए, जिससे कि उस रोग को रोकने के लिए प्रिवेंटिव केयर की जा सके। और साथ ही साथ यहाँ बताते चलो, जो गुण भी होते हैं, जैसे दोष अगर आगे मिलते हैं तो गुण भी अनुवांशिकता में आगे मिलते हैं। जैसे लंबे अगर व्यक्ति हैं, परिवार में सभी लंबे हैं, तो वो बच्चे भी आगे जाके उसकी ग्रोथ पैटर्न भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से जेनेटिक फैक्टर भी बच्चे के वृद्धि को प्रभावित करता है। प्रीनेटल न्यूट्रिशन में 0 से 280 डेज तक कुछ एडिशनल न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, फोलिक एसिड माँ के आहार में प्रतिदिन 400 से 800 माइक्रोग्राम में फोलिक एसिड जरूर होना चाहिए, और आयरन की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। जैसे 27 मिलीग्राम प्रतिदिन की आहार में आयरन की संलिप्तता जरूर होनी चाहिए। कैल्शियम 1000 मिलीग्राम पर डे जरूर देना चाहिए। फैटी एसिड्स जो है DHA ओमेगा 3 जिसको हम बोलते हैं, ये भी 200 मिलीग्राम प्रतिदिन ये निर्धारित मात्रा मिलनी ही चाहिए उसके आहार में। विटामिन डी 600 यूनिट जो है 15 माइक्रोग्राम्स प्रतिदिन माँ के आहार में होना चाहिए, जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को और क्रूशियल बोन हेल्थ डेवलपमेंट को करेगा, आपके बोनी हेल्थ बोनी स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करेगा। प्रोटीन की मात्रा 25 ग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए। 220 ग्राम आयोडीन की मात्रा प्रतिदिन होनी चाहिए। इसी प्रकार जिंक की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 मिलीग्राम प्रतिदिन होनी चाहिए, जो कि आपके डीएनए सिंथेसिस और इम्यून फंक्शन को आवश्यक रूप से चाहिए होता है। बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से आपने देखा फोलिक, ये जो मैंने पीछे लिस्ट बताई, ये प्रीनेटल न्यूट्रिशन के लिए कुछ अनिवार्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आहार में जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी, जिस समय गर्भधारण की अवस्था हो गई होती है, गर्भ धारण कर चुकी होती है महिला, तो उस समय कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। टीन एज प्रेगनेंसी, यदि अर्ली एज में कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है, कोई बालिका प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको एडिशनल न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं, और उस समय क्योंकि रिस्क ज्यादा रहता है, उसके उसकी बॉडी इसको कंसीव करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होती, फिर भी अगर गर्भधारण हो गया है तो टीनएजर प्रेगनेंसी जो होती है थोड़ी सी रिस्क फैक्टर उसमें ज्यादा रहता है और डॉक्टर्स के कंसल्टेशन की जरूरत ज्यादा रहती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, जब एक महिला के गर्भ में ट्विंस हो रहे होते हैं या मल्टीपल या तीन बच्चों को जन्म देने के लिए वो तैयार हो रही होती है, तब उस समय उसके फेटल ग्रोथ के लिए एडिशनल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, एडिशनल केयर की जरूरत होती है। क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन, मान लीजिए किसी भी गर्भधारण महिला को कोई क्रॉनिक डिजीज है, हाइपरटेंशन से या ओबेसिटी से ग्रसित है या हाइपर डायबिटीज है उसको, ब्लड प्रेशर है, इस तरीके की अगर कोई उसकी हेल्थ कंडीशन है, तो उस समय उसको स्पेशलाइज न्यूट्रिशनल केयर की जरूरत होती है और उसका मैनेजमेंट पूरा रहता है, उसकी पूरी डाइट स्वीकृत की जाती है डॉक्टर के द्वारा, उसी डाइट को उसी आहार को उसको ग्रहण करना चाहिए, और जो उसके देख रेख करने वाले जो केयर करने वाले लोग होते हैं उनको भी यह ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से हम इस प्रेगनेंसी को सफल रूप से अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। पुअर वेट गेन, यदि महिला जो गर्भवती महिला है उसके जो भार की मात्रा है वो कम है, इनएडुकेट है, यानी कि वेट गेन नहीं हो रहा है उसको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, वो भी आगे जाकर बालक के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या कुपोषण का शिकार बालक को कर सकती है। तो इस प्रकार से पुअर वेट गेन भी आगे जाकर दुष्परिणाम देते हैं। सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज इंक्लूडिंग स्मोकिंग, एल्कोहल कंजम्पशन poses serious risk to fetal development। जैसे कोई महिला यदि शराब और स्मोकिंग का सेवन कर रही है तो उस समय उसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, उस वो भी आगे जाकर प्रेगनेंसी को रिस्क दे सकते हैं। पुअर डाइट, अगर आहार पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है गर्भवती महिला को, यदि पूरी तरीके से उसका आहार नहीं मिल रहा है, संतुलित आहार जो मैंने बताया वो बहुत जरूरी है, तो भी ये आगे जाकर रिस्क फैक्टर बनता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है प्रीवियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। जैसे मान लीजिए जो भी महिला प्रीवियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन को झेल रही है या उसका सामना कर रही है, तो उसको मॉनिटर करने की ज्यादा जरूरत है, उसके डे टू डे के एक मॉनिटरिंग बनना चाहिए और उसको डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहना चाहिए। स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ, ऐसे समय पर जब सभी ध्यान देते हैं कि परिवार में एक नया व्यक्ति आने वाला है, एक नया शख्स आने वाला है, तो ऐसे में उस
महिला की ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है कि उसको कोई मेंटल हेल्थ से उससे संबंधित या स्ट्रेस से संबंधित उसका कोई इश्यू ना क्रिएट हो और उसको एक खुशहाल माहौल देना चाहिए। एक सही पोषण के का बहुत बड़ा अंग है उसका एनवायरमेंट, तो स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर जरूर देना चाहिए, जो कि ये प्रभावित करता है महिला के स्वास्थ्य को, सीधे सीधे प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करें 1000 डेज ऑफ न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फॉर्मूला फीडिंग, बेस्ट या फॉर्मूला फीडिंग, बर्थ टू 6 मंथ ऑफ एज, बच्चे के जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र तक किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग दी जानी चाहिए ये माँ को जरूर से पता होना चाहिए। और ये रिकमेंड किया जाता है कि पहले 6 महीने माँ के दूध पर ही निर्भर करेगा बच्चा और उसका पूरा पोषण उस पर निर्भर करता है। तो ये दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, एडवाइस दी जाती है कि कम से कम एक दिन में 8 से 12 बार बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए। और क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बच्चे माँ के दूध में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि उसके इम्यून सिस्टम को, बच्चे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं और बाहर के माहौल से उसको एक इमोशनली भी बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है, इमोशनली भी सिक्योर महसूस करता है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जरूर होनी चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आहार में बच्चे के आहार के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, जो कि इस प्रकार से कंटेन होते हैं कि उसको तुरंत तुरंत वो पोषक तत्व मिलते रहते हैं। इसीलिए माँ का आहार भी ध्यान दिया जाता है, जन्म देने के बाद भी महिलाओं को अपने आहार को अच्छा बनाए रखने के लिए, संतुलित पोषण के लिए संतुलित आहार लेना जरूरी है। साथ ही साथ हाइड्रेशन की अगर हम लोग बात करें, एडिक्वेट वाटर इनटेक जरूरी होता है, पर्याप्त मात्रा में जल की मात्रा माँ को भी लेनी चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, ब्रेस्ट फीडिंग देने में आसानी हो, बच्चे को भी पोषण पूरा मिल सके। फॉर्मूला फीडिंग की बात करें तो फॉर्मूला फीडिंग उसे कहते हैं जब बच्चा माँ के दूध को छोड़ता है तब हम लोग उसको, या किसी तरीके से बच्चा माँ के दूध को नहीं पी पा रहा है या माँ का दूध नहीं हो रहा है तो हम फॉर्मूला फीडिंग देते हैं, डॉक्टर्स फॉर्मूला फीडिंग रिकमेंड करते हैं। अब ये फॉर्मूला फीडिंग क्या होता है, वो केयर गिवर जो भी उसकी रक्षा कर रहा है, बच्चे की देखभाल कर रहा है, वो ब्रेस्ट फीडिंग देते समय ध्यान रखता है कि यदि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है तो हमें फॉर्मूला फीडिंग कब कब कितनी बार दी जानी चाहिए। ये बेस करता है बेबी के नरिशमेंट पे, चाइल्ड की ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या नीड्स हैं, जैसे उसको गाय का दूध देना है या उसको डब्बे में आने वाले फॉर्मूला जो बना होता है वो दूध देना है। आजकल कई सारे बाहर आपको मिल जाएंगे बॉक्स में आने वाले मिल्क प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, फीडिंग शेड्यूल इसका जरूर होना चाहिए, फॉर्मूला फीडिंग कितनी बार दिया जाना चाहिए इसका शेड्यूल होता है, बच्चे को कुछ कुछ अंतराल में ये दूध प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 6 से 8 बार जरूर से जरूर बच्चे को ये आहार देना चाहिए। और साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें डॉक्टर गाइड कर रहा है, मान लीजिए बच्चा अननरिश्ड है, पहले समय से पहले हो गया तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो इस तरीके से ध्यान भी रखना चाहिए। हाइजीन और स्टरलाइजेशन बहुत जरूरी है, जिस भी बॉटल का या जिस भी बर्तन का यूज कर रहे हैं बच्चे को दूध देने के लिए वो पूरी तरीके से साफ हो, वो उसकी स्वच्छता का स्पेशली ध्यान रखें। और माँ भी जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो अपने स्तन को पूरी तरीके से साफ करके ही बच्चे को दूध दे, जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम बेहतर बना रहे और वो बीमार ना पड़े। मैटरनल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि बच्चा माँ के दूध पर पूरी तरीके से निर्भर कर रहा है तो उसकी न्यूट्रिशनल डाइट बहुत जरूरी है, उसका ओवरऑल वेलबींग होना बहुत जरूरी है, उसके संपूर्ण आहार देने के लिए माँ का आहार भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 1000 डेज ऑफ न्यूट्रिशन, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अर्ली डाइट 6 मंथ टू 2 ईयर्स ऑफ एज। जैसा कि मैंने बताया कि 6 महीने का जैसे ही बच्चा होने लगता है और उसको फिर नया फूड देने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की सब्जियों का पानी, चावल का पानी, दाल का पानी, इस तरीके से जब उसको शुरुआती चरण किस तरीके से शुरू किए जाने चाहिए 6 माह के बाद, तो यहाँ पर अब आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेजुअली ये चीजें धीरे धीरे स्टार्ट की जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि बच्चे को एकदम से आपने दलिया दे दिया। तो पहला जो उसका आहार होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पानी के रूप में, यानी कि जल के रूप में जाना चाहिए, चाहे वो दाल का पानी हो, चाहे वो दूध, बाहर का दूध हो, या वो धीरे धीरे मैश किया हुआ सब्जियों का पानी हो जो कि आयरन रिच हो,
उसमें वृद्धि और पोषण के लिए, बच्चे के पोषण के लिए संपूर्ण आहार हो तो न्यूट्रिशनल रिच फूड होना चाहिए, जिसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो उसका ग्रोथ पैटर्न भी उस पर डिपेंड करता है कि उसके आहार में पूरी तरीके से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वसा की मात्रा पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अब हम लोग अगर फैमिली फूड्स की बात करें, किस तरीके से ट्रांजिशन होता है फैमिली फूड्स में, ये क्या होता है, धीरे धीरे हो रहा है, जो उसके बच्चे के स्वाद जो ग्रंथियां हैं वो धीरे धीरे से विकसित होती है और वो फैमिली फूड्स को धीरे ही एक्सेप्ट कर पाता है। जैसे कि मान लीजिए पूरा खाना जो है दाल रोटी चावल सब्जी, ये धीरे धीरे बच्चा एक्सेप्ट कर पाता है। जैसे जैसे बच्चा 8 से 9 महीने का होता है वो धीरे धीरे चेंज उसके खाने के पैटर्न में आने लगता है। प्रॉपर हाइड्रेशन जरूर होना चाहिए, ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे को पानी की मात्रा जरूर दी जाए, और यहां तक कि ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो सिपर दिया जाए बच्चे को तो वो पूरा क्लीन होना चाहिए, हाइजीन उसकी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ डाइट डाइवर्सिटी, उसके डाइट में कई प्रकार की डाइवर्सिटी रखनी चाहिए, जैसे कभी उसको शहद दे दिया गया तो कभी उसको मूंगफली और छोटी छोटी चीजों को मैश करके उसको चटा दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो बच्चे को, हम लोग जब अर्ली एज में होते हैं तो जो हमारे घर में ग्रैनीज होती है, नानी और दादी होती है, तो वो भी ध्यान रखती है बच्चे के आहार का, जिससे कि उसको पूरा न्यूट्रिशमेंट नरिशमेंट मिल जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क टू फॉर्मूला, और फॉर्मूला जो हम लोग फॉर्मूला फीडिंग दे रहे थे और ब्रेस्ट मिल्क दे रहे थे उससे किस तरीके से ट्रांजिशन होना चाहिए, सॉलिड फूड्स की हैबिट्स को किस तरीके से डालना चाहिए, कैसे उसका बॉटल का दूध छुड़ाया जाए, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा दिनों तक अगर बॉटल या बाहर के दूध को पिएगा तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी प्रभावित होगा। चाहे वो माँ का भी दूध अगर वो ज्यादातर पिएगा तो उसको पूरा नरिशमेंट नहीं मिलेगा, 6 महीने में बच्चा बड़ा होने लगता है और उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, इस प्रकार से उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। संक्षेप में आप समझेंगे कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्रीनेटल से 2 ईयर्स तक यानी कि 1000 डेज तक किस प्रकार की होती है। माँ के गर्भ से बच्चा जन्म जब ले, फिर वो 6 महीने का जब हो, उसके बाद 1 साल का, उसके बाद 2 साल का, इस पूरे पीरियड में, इस पूरी अवधि में बच्चे के आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसकी हाइजीन, उसकी हेल्थ, उसके ग्रोथ पैटर्न को जरूर देखते रहना चाहिए और पीडियाट्रिशियन से जरूर सलाह लेते रहने चाहिए। इसी बीच आपको बता दें बच्चे को टीकाकरण का भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चे के टीकाकरण का भी ध्यान रखना चाहिए, आहार के साथ साथ टीकाकरण भी बहुत जरूरी है, समय समय पर लगने वाले टीकों को वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट करते रहना चाहिए ताकि उसको कोई बीमारियां जल्दी ना लगे, उसका जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पर इस टॉपिक को जो मैंने कवर किया जरूर से आपको समझ में आया होगा। यदि आपका कोई सलाह है, कुछ ऐसा कुछ आपके क्वेरीज हैं, वो जरूर मुझसे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न और कुछ प्रश्न इस प्रकार से दिए जिससे कि आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको सहायता मिल सकती है। चलिए आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 4th यूनिट को कवर करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।